preview. एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीना की और तीन और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें दो मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीना को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी वाले व्यक्ति, चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं? आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, आप कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई, ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़के भिड़के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए।